चुनावों से पहले शिवराज सरकार लगातार अपने किए वादों को पूरा करने की मुहिम में जुड़ गई है। बिजली बिल माफ करने को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार घेरे जाने के बाद अब बीजेपी सरकार ने घोषणा की है, शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य शासन ने छोटे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 31 अगस्त तक का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया है, जिसके तहत अब 31 अगस्त तक का बकाया बिजली बिल नहीं वसूला जाएगा। इसको लेकर राज्य ऊर्जा विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार की यह बड़ी घोषणा मानी जा रही है, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए बिजली बिल को लेकर विपक्ष शिवराज सरकार पर निशाना बना रही है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन और दीपक की रिपोर्ट। आज हमने तय कर दिया है बढ़े हुए बिजली के बिल सारे स्थगित किए जाते हैं। बात पूरी होने दीजिए। बढ़े हुए बिजली के बिल स्थगित किए जाते हैं, अगले महीने केवल एक महीने का ही बिल आएगा। बढ़े हुए बिजली के बिलों का पूरा परीक्षण और जांच करके हम फैसला करेंगे, वो अभी वसूल नहीं। मित्रों, आज इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ हुआ है। कोरोना के इस दौर में हमें और अधिक बिस्तरों की आवश्यकता थी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कारण, वैसे तो वहाँ 14 विभाग काम करेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कोविड के पेशेंट्स का इलाज। इससे इंदौर और इंदौर के आसपास की जनता को बहुत राहत मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी को, इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों को। 18 में शिलान्यास हुआ था, ताई जब लोकसभा अध्यक्ष हुआ करती थी, और स्वास्थ्य सुविधाओं की आज सबसे ज़्यादा दरकार थी बढ़ाने की, वो इससे पूरी हुई है। मुझे इससे ज़्यादा नहीं कहना बाकी। जी भैया, एक सवाल। हमने पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ में इस बीमारी की तीव्रता जान के सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों से टाई अप करके भी सरकारी खर्चे पर निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। इंदौर में बाद में कुछ अस्पतालों को परमिट किया कि कुछ समर्थ लोग अगर हैं और वो प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहे तो वो जाके इलाज करा सकते हैं। आज मुझे कुछ शिकायतें मिली है, मैंने निर्देश दिया है कलेक्टर कमिश्नर को कि अस्पताल के प्रबंधन के साथ बैठकर रेट्स तय करें, सख्ती से उसका पालन करें, और अगर कोई मनमाने रेट वसूल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हर्ष जी, परिवहन व्यवस्था लोगों को बड़ी दिक्कत पड़ रही है, बसें बंद है, सब चीज़ें बंद है, इसको लेकर टैक्स माफी वाला भी इसी चल रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा स्पष्ट करें। आप चर्चा जारी है। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। मेरा कहना आपसे ये था, शिवराज जी सर, आप दूसरी बार एक 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 सर, अनलॉक के बाद से ही भाजपा के जितने भी आयोजन हुए सब में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ है। कई आपने अपने शादियों में और शव यात्रा में संख्या तय करी है, राजनीतिक आयोजनों में संख्या तय क्यों नहीं है? तो क्या नियम सिर्फ जनता के लिए है या नेताओं के लिए नहीं? सबके लिए नियम है, और नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। आप चौथी बार सीएम हो गए, दूसरी बार में आपने घोषणा की थी मध्य प्रदेश सहित इंदौर की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के, लेकिन उसमें कोई प्रगति अभी तक नहीं किया है। हम करके गए थे, बीच में इन्होंने कुछ व्यवस्था बदली, वैध की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।